फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लास। हम बच्चों पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? प्रारंभिक संस्कृत। संस्कृत का कुछ बेसिक जो नॉलेज है वो हम देख रहे थे। हमने पुरुष पढ़ा, पुरुष की कॉन्सेप्ट हमने क्लियर की। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। और वचन कितने होते हैं? वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक का बोध कराने वाले को क्या बोलते हैं? जो एक की संख्या बताता है, एक वचन। दो की संख्याओं को बताने के लिए द्विवचन, और अनेक संख्याओं को बताने के लिए बहुवचन। तो मैंने बताया था कि आपको ये मैं तीन उंगलियों के माध्यम से भी बताऊंगी कि सारी चीजों को तीन उंगलियों पे आप कैसे याद कर सकते हैं। आप उंगलियों पे सेंटेंस भी बना सकते हैं जो आगे चलेंगे, लेकिन अभी तो मैं आप को ये चीजें उंगलियों पे बता रही हूँ कि इनको कैसे लर्न करोगे, ठीक है। और यहाँ देखो लिखा हुआ है शब्दकर्ता। तो बच्चों ये जो चीजें हैं ये कितनी है? ये तीन पर तीन, तीन कितने हो गए? नौ। तो कर्ता कितने माने जाते हैं? नौ। ये सब चीजें क्या है? कर्ता। कर्ता क्या होती है? क्या होता है कर्ता? सब्जेक्ट, कार्य को करने वाला, जिसके द्वारा कार्य संपादित होता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा क्रिया संपादित होती है। जो क्रिया को करने वाला है वो क्या होता है? कर्ता। तो ये सब जो नौ है इसमें एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के देखिए, तीन 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 कितने हो गए? थ्री थ्री जा नाइन। तो ये क्या है? नौ कर्ता होते हैं। तो कर्ता कितने प्रकार के हो गए? नौ प्रकार के। सह यानी वह, सा यानी भी वह, सह वह का मतलब लड़के के लिए, पुल्लिंग के लिए, और सा का वह स्त्रीलिंग के लिए। तो सह, तौ, ते, त्वम, यूयाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये नौ क्या है? कर्ता माने जाते हैं। स्वतंत्र कर्ता यानी कर्ता किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो तीन उंगलियों के माध्यम से हम इन चीजों को याद कर सकते हैं। देखो एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। एकवचन में सह, तौ, इस प्रकार ले लीजिए। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, सह, तौ, ते, इसी से हम वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे प्रथम पुरुष का एक वचन पठती, पठतः, पठंती, इस प्रकार क्रिया चलती है, लेकिन आगे क्रिया बताएंगे तब साथ में बताएंगे। तो देखो सह पठती, तौ पठतः, ते पठंती, ठीक है। सह, तौ, ते, या ऊपर से नीचे ले लीजिए, सह, तौ, ते, किसी प्रकार आपको जैसे हैबिट हो आप उसी प्रकार ले सकते हैं, ठीक है। सह, तौ, ते। फिर त्वम, देखो बीच में आइए, दोनों उंगलियों के बीच वाला मध्यम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो त्वम, यूयाम, यूयम, त्वम, यूयाम, युवाम, यूयम, क्या हुआ? त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। यहाँ क्या आया था? सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम। फिर इसके लिए स्वमेव ही उत्तमम अर्थात उत्तम पुरुष। तो अहम, आवाम, वयम, अहम अर्थात मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। हो गए ना तीन ही उंगलियों पे पूरी व्याकरण समाहिता। आपको तीन ही उंगलियों के माध्यम से आप बहुत सारे सेंटेंस, वाक्य निर्माण कर सकते हैं। सारी ये जो चीजें हैं तीन उंगलियों पे हम लर्न कर सकते हैं, लर्न विद प्ले, ठीक है ना। इस प्रकार आप करके देखना, आप ऊपर से नीचे किसी प्रकार कर सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए, कैसे भी हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें हमने उंगलियों के माध्यम से पढ़ी, ठीक है। इसका बेसिक, पुरुष का हमने बेसिक नॉलेज दे दिया, वचन का हमने दे दिया, अब हम करेंगे लिंग का। तो लिंग क्या होता है बच्चों? किसे कहते हैं लिंग? लिंग की सामान्य परिभाषा कि जो स्त्री और पुरुष होने का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग हिंदी में कितने माने जाते हैं? कितने होते हैं? हिंदी में दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं हिंदी में दो? पुलिंग और स्त्रीलिंग। पुलिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है वो पुल्लिंग होता है,
और स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराता है वह स्त्रीलिंग होते हैं, परंतु संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? तीन। एक कौन सा ऐड हो गया? पहला कौन सा है? पुल्लिंग। कौन सा है? पुल्लिंग। दूसरा स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराए, ठीक है। और तीसरा कौन सा ऐड हुआ? नपुंसक लिंग। कौन सा हुआ? नपुंसक लिंग। अब इनकी हम जानकारी लेते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग कौन सा होता है, और स्त्रीलिंग कौन सा होता है, और नपुंसक लिंग कौन सा होता है? पुल्लिंग अकारांतः पुल्लिंग शब्दः, अकारांतः पुल्लिंग शब्दः अर्थात अकारांत है। अकार जिन शब्दों के अंत में अकार आता हो, ए आता हो, ए की ध्वनि आती हो, उन शब्दों को क्या कहते हैं? पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द अर्थात आप देख लीजिए, राम है। क्या है? राम है। तो ये इसमें अकारांत है कि नहीं है? तो राम किस शब्दों से मिला है? र विषर, ठीक है। धन, धन किसको बोलते हैं? प्लस को। धन र में किसकी मात्रा जुड़ी हुई है? आ की। र धन आ, क्या हुआ? रा। र के नीचे हलंत लगा हुआ है, ठीक है। फिर म, धन म, आधा मै है ना, क्योंकि पूरा तो ए लगने के बाद मिलेगा। तो मैं किससे मिलकर बना है? ए। तो अंत में अकार आया कि नहीं आया? और ये विषय लगा दीजिए, और ठीक है, प्लस करके भी आप लगा सकते हैं विषय। तो अकार आया ना, तो यही इसकी पहचान होती है। अकार आता है पुल्लिंग शब्द अर्थात जिन शब्दों के अंत में ए आता हो वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। यह इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जनकः है ना, और गज है, अश्व है, जिन भी शब्दों के अंत में आप ऐसे शब्दों को अलग अलग करके, वर्णों को अलग अलग करके आप उनको देख सकते हैं कि उनमें ए आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ए आया तो क्या हुआ? इसकी पहचान पुल्लिंग शब्द। और स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं आकारांतः, इसी में कर देते हैं, आकारांतः, आकारांतः स्त्रीलिंग शब्दः अर्थात जिन शब्दों के अंत में आ आता हो, आ की ध्वनि आती हो, आ, जिन शब्दों के अंत में आ आता है वह क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द। जैसे लता, रमा है ना, अंबा। तो लता में देख लीजिए, वर्ण विच्छेद कीजिए, ल धन अर धन त धन, क्या आया? तय किससे है? आ से। तो अंत में क्या आया? आ। तो आगे डेफिनेशन हमारी, आकारांतः स्त्रीलिंग शब्द जिन शब्दों के अंत में आ आता हो, लता, आ की ध्वनि आ रही है, रमा, अंबा है ना। तो उन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आ रही है, आ आ रहा है, वह कौन से शब्द होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। साथ साथ में आप लिखते हुए चलिए, इनकी डेफिनेशन वगैरह साथ साथ में आप इनको करते चलिए। हाँ, शर्त है कि बच्चों, जैसे आपने कर दिया कि पिता, पिता, पिताजी जो होते हैं, तो उसमें भी आ की ध्वनि आ रही है। तो पिता शब्द आपको देखना है, पिता शब्द किसका है? हिंदी का है। पिता को संस्कृत में क्या बोलते हैं? जनक है। क्या बोलते हैं? जनक है। तो जनक है में तो ए की ध्वनि आ रही है ना, हिंदी के शब्दों से आपको नहीं पता लगेगा, हिंदी के शब्दों को
नहीं देखना है, जनक है ना। तो अपने पिताजी क्या है, जनक है। देखिए दोनों शब्दों से आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता चल जाएगा। हमारे घर में हमारे पापा जी जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, तो उनके अंत में देखो जनकर है। पापा को क्या बोलते हैं संस्कृत में, पिताजी को जनकर है। ए आ रहा है ना, ज धन अ प्लस या धन न धन ए धन क ए आया, तो जनकर पुल्लिंग शब्द है। और फिर माता क्या होती है हमारी, माता क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है ना, तो माता को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अंबा। अंबा भी देख लीजिए आगे धमनी आ रही है, इसका भी वर्ण विच्छेद आप करके देख सकते हैं, अ प्लस म, हलंती है इसमें तो क्योंकि आधा ही है, फिर ब फिर अ आ, इसमें अंत में क्या जुड़ा हुआ है आ, और ये है ठीक है। तो अंबा, तो यहाँ पे वह भी आ जाएगा बीच में। तो क्या है अंबा में आ, तो आप अपने माता पिता से उनको ध्यान में रखकर भी पता कर सकते हैं कि कौन सा पुल्लिंग शब्द होता है। याद नहीं आए तो अपने जनकह में ए की ध्वनि आ रही है, आ रहा है तो, और अंत में विषर्ग आ रहा है तो क्या हुआ, पुल्लिंग शब्द हुआ। जिसके अंत में आ रहा है तो स्त्रीलिंग शब्द हुआ। पुंलिंग शब्द के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जब तक आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ शब्द लिखिए ऐसे जो आपके आसपास है, जो आप थोड़ी बहुत संस्कृत के उनके नाम जानते हैं वो आप लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा हुआ, फिर हम आगे पढ़ेंगे दोबारा से कर्ता और धातु और क्रिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।